Okay then. So today's topic that we are going to discuss is about MCO 6. A काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है सेल्स प्रमोशन से. काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCO, और ये एग्जाम में आ सकता है. सो वी आर गोना डिस्कस दिस टॉपिक. सो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन से आप क्या समझते हो, एंड व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स मार्केटियर्स अटेम्प्ट टू अचीव थ्रू सेल्स प्रमोशंस. ठीक है, सेल प्रमोशन के जरिए जो मार्केटियर्स होते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, वो किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या पाने के लिए सेल्स प्रमोशन करते हैं. ठीक है, दो क्वेश्चन है. सेल्स प्रमोशन क्या होता है, आप क्या समझते हो, और दूसरा, मार्केटियर सेल्स प्रमोशन किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आई होप. अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल्स प्रमोशन किसे कहेंगे. तो नाम से पढ़ के पता चल रहा है कि सेल्स को प्रमोट करना है. आपके यहाँ पे सपोज एक दिन में 100 पेयर आपका कुछ बिक रहा है, कोई सामान है जो कि एक दिन में 100 आप सेल कर रहे हो, लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि उस 100 के नंबर को आप 500 हजार तक लेकर के जाओ, तो वो ऑटोमेटिक तो पॉसिबल नहीं है, है ना. तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करोगे लोगों के बीच में, ताकि लोगों को पता चले, और आपका प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके का होगा ताकि वो लोग आपके शॉप में खींचे चले आएं और आपके सामान को खरीद लें. सो सेल्स प्रमोशन इज लाइक प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स हु विशेस टू बाय इट, बट समहाउ दे आर नॉट बाइंग इट, बट यू विल ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स टू कन्विंस देम सो दैट दे कैन प्रोडक्ट बाय योर प्रोडक्ट और परचेज योर प्रोडक्ट. ठीक है, सो सेल्स प्रमोशन इज दैट. थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ. सो सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू द यूज ऑफ वेरियस शॉर्ट टर्म मार्केटिंग टेक्निक्स और एक्टिविटीज दैट एम टू स्टिमुलेट इमीडिएट कस्टमर बाइंग इंक्रीजिंग सेल्स एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और एक्साइटमेंट अराउंड अ प्रोडक्ट और सर्विस. सो सेल्स प्रमोशन किसे कहेंगे. सेल्स प्रमोशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि सेल्स प्रमोशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म एक मार्केटिंग टेक्निक होता है. ठीक है ना, शॉर्ट टर्म मार्केटिंग टेक्निक होता है, लॉन्ग टर्म में ये उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस चीज को आप अभी प्रमोट कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो फिर उससे बेहतर कोई प्रोडक्ट आप ही ने लॉन्च कर दिया, तो पुराना प्रोडक्ट कौन खरीदेगा. तो जब भी प्रमोशन होता है या एडवर्टीजमेंट होता है, वो देखना शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है. लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांड वैल्यू बनाई जाती है. ठीक है ना, कि प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो ब्रांड वैल्यू उसकी बन गई. लेकिन सेल्स प्रमोशन जब भी होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और आप उसमें ऐसी टेक्निक्स या ऐसी एक्टिविटीज का इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए कस्टमर्स जो है उनका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट मतलब हो जाएगा. मतलब जैसे यहाँ पे बोला गया ना अर्जेंसी, लोगों को ये लगे कि नहीं, अगर हम अभी नहीं लेंगे तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपके हाथ से निकल जाए, दोबारा उन लोगों को मिला मिले ही नहीं, तो इस अर्जेंसी में वो लोग खरीद लेते हैं, है ना. या अपने प्रोडक्ट को लेकर के एक्साइटमेंट क्रिएट कर देना, एप्पल के साथ होता है, सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कि नया वर्जन जो है वो एप्पल का आने वाला है, एप्पल 15, 16, 17, पता नहीं क्या क्या आएगा अभी, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना. अब वो लोग प्रमोट कैसे करते हैं, एक तो उनकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है ऑलरेडी, तो उनको बहुत ज्यादा प्रमोशन की आवश्यकता पड़ती नहीं है, और जब उनको प्रमोट करना होता है तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसे भी प्रमोट हो जाता है. ठीक है ना, बाकी टीवी में एड वगैरह तो थोड़ा बहुत चलता ही है. ठीक है, सो ये उस तरह की चीजें जो है जो सेल्स प्रमोशन के लिए मार्केटियर्स करते हैं. इट इज टिपिकली एम्प्लॉयड फॉर अ लिमिटेड पीरियड टू जनरेट इंटरेस्ट. अब देखो यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, ताकि यहाँ लोगों के अंदर जो है इंटरेस्ट जागे, उनको एनकरेज किया जाए कि भाई आपको लेना ना लेना बाद की बात है, लेकिन आप कम से कम ट्राई कर लो, ट्रायल आप करवा देते हो, है ना. एंड ड्राइव परचेज बिहेवियर. और याद रखना, जब आप किसी चीज को ट्राई करवा रहे हो ना, और अगर सच में आपका प्रोडक्ट में दम है तो वो पक्का बाय कर लेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम, ऐसा नहीं कि गरीबी नहीं है इंडिया में, लेकिन लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, बशर्ते आप उनको सही प्रोडक्ट सही दाम में बेचें. ठीक है, सो वो बात यहाँ पे है. द ऑब्जेक्टिव दैट मार्केटियर्स अटेम्प्ट टू अचीव थ्रू सेल्स प्रमोशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ प्रमोशनल कैंपेन एंड द ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्केटियर्स का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सेल्स प्रमोशन का जो उनका टेक्निक है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक गोल्स दे वॉन्ट टू अचीव. लेकिन मेरे नजरिए में या ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंपल सा बेनिफिट, सिंपल सा उनका जो है गोल होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना. ठीक है, लेकिन कई बार वो लोग डिफरेंट चीजें ट्राई करने के लिए भी करते हैं. कई बार सिर्फ लोगों को बेचना नहीं होता, बल्कि उनको फील करवाना होता है. जैसे यहाँ पर ट्रायल वाली जो बात बोली गई है, ट्रायल में देखना कई लोग देखेंगे, लेंगे नहीं लेंगे,
लेकिन आप अगर ट्रायल करवा दोगे ना, तो एक तरीके से आपके ब्रांड को लोग पहचानने लगेंगे, उनको याद हो जाएगा कि इस ब्रांड को मैंने ट्राई किया हुआ था, भले ही लिया नहीं हो। तो जिस चीज के बारे में बंदे को याद रहता है, लोगों को याद रहता है, आदमी उसी चीज को खरीदता है। टीवी में एडवर्टीजमेंट या कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट का असर हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन इतना ज्यादा है क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ गया। अब जब भी आपको वो चीज लेनी होगी, भले ही उस चीज को बहुत सारी कंपनीज बनाए, लेकिन वो जब भी उस चीज वो चीज आपको खरीदनी होगी, तो आपको सबसे पहले वही दिमाग में आएगा जो चीज आपको याद है, आपने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। सो इस तरह की चीजें, मतलब सिर्फ सेल्स प्रमोशन या सेल करना या प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, इस तरह की चीजें भी करना होता है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ बिल्कुल पे क्या ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपका एक दिन में 100 यूनिट बिक रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो उसका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर आप एक दिन में, अगर आप सेल्स प्रमोशन करते हैं तो। हो सकता है कि 100 की जगह वो 500 हो जाए, 1000 हो जाए, और बाई गॉड्स ग्रेस अगर वो चल पड़ा तो आपको फिर करने की जरूरत ही नहीं है, लोग हाथों हाथ ले लेंगे। ठीक है, तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना होता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसका प्रमोशन होता है, देखना है ना। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं, एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहला है इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। सो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स प्रमोशन इज टू बूस्ट सेल्स। मैंने पहले भी बताया, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। अब ये सेल को बूस्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो लोग, डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे आपको, आपको स्पेशल ऑफर देंगे। बिल्कुल देखना, बर्थडे के टाइम पे आपका ऑफर आ जाएगा, आपका बर्थडे जिस दिन है उस दिन आपको 15% 20% का ऑफ आपको दे दिया जा रहा है ना। स्पेशल ऑफर दे देते हैं, इंसेंटिव्स दे देते हैं, ये है ना, ये सारी चीजें जो है वो लोग करते हैं। मार्केटर्स एम टू इंक्रीज कस्टमर्स। मैं जी किशन, बोला कि सर दिवाली पे भी ऑफर दिया जाता है ऐसी तरह से ताकि बिल्कुल बिल्कुल, वो कस्टमर फेस्टिवल ज्यादा का से ज्यादा। वो तो कॉमन है, सभी को मिलता है, बट यहाँ पे स्पेशल ऑफर है, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक, यू नो, बोलते हैं ना कि आप पहले 100 कस्टमर में हैं इसलिए आपको कम दाम में मिल रहा है, 100 के बाद जो लोग कस्टमर आएंगे उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो स्पेशल ऑफर इज लाइक फर्स्ट वन डे और फॉर सम स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। बाकी उनको इंसेंटिव वगैरह मिल जाता है कि भाई अगर आपने इतनी की शॉपिंग करी तो आपको हम साथ में गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से जो है सेल्स प्रमोशन का काम जो है किया जाता है। सो इसमें क्या करते हैं, मार्केटियर्स एम टू एंटाइस कस्टमर्स टू मेक अ परचेज। वो लोगों को एक तरीके से आप बोलोगे तो एंटाइस करते हैं, मतलब एनकरेज करते हैं आप बोल सकते हो, ताकि वो लोग खरीदें, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम। और इससे क्या होगा, जो आपका ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम होगा वो आपका बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। तो बिल्कुल ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज है, जब भी आप कोई नई चीज मार्केट में लाओगे और उस चीज के बारे में अगर किसी बंदे को पता नहीं है, कंपनी आई मीन कस्टमर को, कंज्यूमर को, सोसाइटी को पता नहीं है, तो आप उसको लाओगे तो हो सकता है कि वो फेल कर जाए। सो जरूरी है कि लोगों को उस चीज के बारे में बताना। तो देखना, जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली होती है तो उससे तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही कैंपेन चल रहा होता है, सेल्स प्रमोशन का काम चल रहा होता है कि भाई ये लॉन्च होने वाला है, ये लॉन्च होने वाला है, इसमें ये फीचर्स है, इसके वो ये फायदे हैं, वो फायदे हैं, बहुत सारी चीजें। तो नए प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं कि सेल्स प्रमोशन मार्केटियर्स के द्वारा काफी ज्यादा किया जाता है। ठीक है, सो सेल्स प्रमोशन कैन बी यूज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड जनरेट इंटरेस्ट इन न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग अटेंशन। इसके कारण से लोगों के अंदर जो है अट्रैक्शन आएगा, इनकरेज होंगे, इनकरेज होंगे वो लोग ताकि वो ट्रायल करें, एंड एक्सलरेटिंग द एडॉप्शन ऑफ न्यू ऑफरिंग्स। और जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, नई चीजें जो आप ऑफर कर रहे हैं, वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है ना, अडॉप्ट कर पाएंगे, वो चीजें हैं। सो इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट है इनकरेजिंग रिपीट परचेज, है ना, ये भी बढ़ता है। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है तो लोग तो ऑटोमेटिकली आपके पास खरीदने के लिए आएंगे, बट अगर किसी को थोड़ी सी बहुत भी हिचकिचाहट है, और अगर आप सेल्स प्रमोशन उस टाइम पे करते हैं कि भाई हमारे पुराने कस्टमर को मैं 50% का ऑफ दूंगा नए वाले प्रोडक्ट पे, वो तो पक्का वो लोग आ जाएंगे, है ना। तो रिपीट परचेस को बढ़ावा देना, ठीक है, जो बंदा आप जिस बंदे ने आपके पास से सामान खरीदा, वो वापस से आप ही के पास से आकर के सामान खरीद रहा है। अभी के टाइम में कस्टमर के पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो ये रिपीट परचेस करवाने के लिए, लोगों के अंदर एक लॉयल्टी क्रिएट करवाने के लिए जो है सेल्स प्रमोशन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, मार्केटियर्स यूज सेल्स बिल्कुल प्रमोशन टेक्निक्स टू इंसेंटिवाइज कस्टमर्स टू मेक रिपीट परचेज। उनको इंसेंटिव्स देते हैं। अभी रिसेंटली मैं ऑनलाइन अमेजन पे परचेज कर रहा था, एंड उसमें एक ऑप्शन आया कि अगर आप यू नो वन टाइम परचेज करते हैं तो कोई ऑफर नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और एक टाइम ड्यूरेशन चूज कर लेते हैं कि यही सेम प्रोडक्ट आपको 3 महीने बाद फिर से लगेगा, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया, एक बार आपने खरीद लिया,
3 महीने बाद ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको लेना है। और अगर आप सब्सक्राइब करने का मतलब एक तरीके से हो गया कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स वगैरह सब कुछ वहां पे डाल देना, वो लोग ऑटो डेबिट कर लेंगे। ठीक है, वाह, सो उस तरीके से कि दोबारा परचेस करना है तो भाई आपको जो है 10% का हम ऑफ देंगे, अगर आप दोबारा खुद को अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं कि आपको 3 महीने में दोबारा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सो वो चीज है, रिपीट परचेस को बढ़ावा देना है ना। सो ये सारी चीजें हैं। चौथा नंबर पॉइंट है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। अमेरिकन जो स्टाइल है, अमेरिकन स्टाइल जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, उनका मेन फोकस इसी बात पे होता है कि भले ही थोड़ा लॉस क्यों ना हो जाए पर मार्केट शेयर मुझे पूरा चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचानी है, भले ही आपको शुरू में पैसे थोड़े बर्न करने पड़े। शार्क टैंक अगर आप देखते होंगे तो उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, पैसे को बर्न करना। बर्न करना मतलब कि हाँ आप अपने पैसे को एड वगैरह में या अलग अलग इंसेंटिव दे करके, अलग अलग डिस्काउंट दे करके आप अपने अपना नुकसान कर रहे हो। नुकसान मतलब आप अपना पैसा जला रहे हो। बर्न करना इज लाइक जलाना, ठीक है ना, क्योंकि आप जला ही रहे हो ना। मतलब आपको कस्टमर आएगा नहीं आएगा आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपने पैसे को बर्न कर रहे हो ताकि लोगों को पता चल पाए आपके प्रोडक्ट के बारे में। और अगर डेफिनेटली उनको पता चलेगा तो वो लोग तो आएंगे ही, ठीक है ना। तो बर्निंग बहुत ज्यादा होता है। जब भी कोई नया स्टार्टअप होगा, कोई नया बिजनेस होगा, तो देखना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा जो है उनको जलाना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। जलाना मतलब लिटरली जलाना नहीं, जलाना मतलब अनिश्चित खर्च करना, अननेसेसरली, नॉट अननेसेसरली, नेसेसरली ही खर्च होता है, लेकिन ऐसी चीजों पे खर्च करना जिसकी बाद में आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी जब आपका एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, सो इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ये चीज चलता है। हमारे इंडिया में भी हम लोग सिलिकॉन वैली का ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं, है ना, अमेरिका का ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। हम लोग शुरू में बहुत बर्न करते हैं स्टार्टिंग में, कि लोगों को ऐड दिखे, लोगों को पता चले कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, और फिर जब पता चल जाएगा तो वो लोग तो आएंगे ही, राइट। सो सेल्स प्रमोशन कैन बी अच्छा इम्प्लॉयड स्ट्रेटेजिकली टू गेन अ लार्जर मार्केट शेयर बाय अट्रैक्टिंग कस्टमर्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, है ना। सेल्स प्रमोशन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन करना चाहते हो। आप ये भी चाहते हो कि जो आपका कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर है उसके भी कस्टमर्स आपके पास आ जाएं। वो तो तभी आएंगे ना जब आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा प्राइस पे सामान दोगे और अच्छी क्वालिटी का सामान दोगे, तभी लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में सेल्स प्रमोशन के लिए जब देखते हैं कि भाई कम प्राइस में मिल रहा है तो लोग ले लेते हैं, है ना। सो वो चीज भी होती है। प्रमोशनल ऑफर्स एंड इंसेंटिव्स कैन इंटाइस कस्टमर्स टू स्विच ब्रांड्स और ट्राई अ डिफरेंट प्रोडक्ट, है ना। अभी जो प्रमोशनल ऑफर्स है इसके कारण से ही लोग जो है थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं कि वो ब्रांड्स में स्विच कर पाए। मैं एप्पल का एग्जाम्पल बहुत ऑफन देता हूँ, तो एप्पल की सबसे बड़ी राइवल कंपनी है सैमसंग, और सैमसंग का भी जो हाई एंड जो प्रीमियम फोन अभी वगैरह आ रहा है वो भी एप्पल के मुकाबले काफी खतरनाक है। मतलब कुछ कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं जो कि एकदम अलग ही लेवल पे है। मतलब वो एक था जिसमें कि वो लोग जो है पत्तों के बीच में फोन पे, मतलब पत्ते का फोटो खींच करके फोन को पत्ते के बीच में रख दे रहे हैं, और आप ना समझ नहीं अच्छा पाओगे क्या वाकई में वहां पे फोन रखा हुआ है कि नहीं। एप्पल वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत गौर से देखने से समझ में आ जा रहा था, लेकिन सैमसंग वाला तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार सैमसंग या एप्पल भी क्या करती है, प्रमोशनल ऑफर्स दे करके वो सैमसंग के कस्टमर्स को छीन करके अपने पास लेके चली आती है, और कई बार सैमसंग इस तरह का टेक्निक अपना करके एप्पल्स के कस्टमर को अपने पास छीन करके लेके चली आती है। पहले सैमसंग का ऐसा नहीं अच्छा था, इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है सैमसंग बहुत हद तक टक्कर दे पा रहा है एप्पल को, क्योंकि मार्केट मार्क शेयर भी बढ़ा है, लोग खरीदना भी चाहिए। जी बोलिए। नहीं, और इंटरनेशनली भी वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो टक्कर दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सैमसंग ही है जो कि एकमात्र कंपनी जो कि एप्पल को एक्चुअली टक्कर दे सकता है और दे भी रहा है, ऐसा चलो नहीं कि नहीं दे, तगड़ा कंपनी है भाई। ठीक है, तो चौथा नंबर पॉइंट हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिफ्थ नंबर पॉइंट व्हिच इज क्लियरिंग एक्सेस इन्वेंटरी। ठीक है, एक्सेस इन्वेंटरी का मतलब क्या हो गया, स्टॉक जो आपके पास स्टॉक है वो आपके पास एक्सेस है। देखो कोई भी प्रोडक्ट का एक लाइफ स्पैन होता है, कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जो कि 6 महीने में खराब हो जाती हैं, कोई कोई चीजें होती हैं जो कि 2-3 साल तक भी टिक जाती हैं, लेकिन वो ट्रेंड के हिसाब से पुराना हो जाता है। तो जब कोई चीज ट्रेंड के हिसाब से पुराना हो गया तो आप क्या करोगे, आप तो अपना लॉस नहीं कराना चाहोगे ना, आप चाहोगे कि चलो इसको बनाने में जितना खर्च हुआ है उतना ही मेरे पास कम से कम आ जाए तो बहुत है ना। तो उस टाइम पे देखना ये क्लियरिंग एक्सेस इन्वेंटरी या देखना
स्टॉक सेल या स्टॉक रिमूविंग सेल, इस तरह से बोल करके ना इसको किया जाता है कि जो लास्ट स्टॉक है, जो जो पुराना माल है, वो लोग बहुत ही कम दाम में बेच करके निकाल देते हैं। तो सेल्स प्रमोशन का एक कारण ये भी होता है कि सेल्स प्रमोशन में उन लोगों ने बोला कि जो लास्ट स्टॉक है ये हम लोग बेचना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कम दाम में दे रहे हैं आपको, 15%, 20%, 30% तक का ऑफ में जो है वो लोग दे देते हैं। कॉस्ट प्राइस भी मिनिमम अगर उनका उठ जाए तो भी उनका फायदा ही है ना, क्योंकि जो फायदा उनको होना था वो तो स्टार्टिंग में हो गया। अब जो स्टॉक मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हो स्टार्टिंग उसको रख के तो फायदा नहीं है, क्योंकि आपको नया सामान भी लाना है, नया सामान लाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप अपने पुराने स्टॉक को कम दाम में भी बेच दोगे। तो क्लियरिंग एक्सेस इन्वेंट्री इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंग दैट वी आर स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल्स, प्रमोशन, राइट। सो ये होता है, सो व्हेन अ यस बिजनेस हैज एक्सेस इन्वेंट्री और वांट्स टू डिसकंटिन्यू सर्टेन प्रोडक्ट्स, सेल्स प्रमोशन कैन हेल्प इन क्लियरिंग द इन्वेंट्री बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स और बंडल डील्स। ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। अभी जैसे ठंडी का टाइम स्टार्ट हुआ ना, तो ठंडी के कपड़े आप मार्केट में लेने जाओ बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन जो गर्मी के कपड़े हैं अगर आप वो अभी लेने जाओ तो आपको डिस्काउंट वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, या देखना ठंडी के कपड़े भी अभी आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो पुराना स्टॉक है, वो पिछले साल का स्टॉक हाँ है ना, तो वो भी आप लोग को अभी देखने को मिलेगा। सो ये सारी चीजें होती हैं, दिस हेल्प्स इन फ्रीइंग अप स्टोरेज स्पेस। अब इसके कारण से क्या फायदा होता है कंपनीज को, कि उनका जो स्टोरेज स्पेस है वो काफी बढ़ जाता है, स्पेस उनके पास हो जाता है, एंड जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अनसोल्ड आइटम्स, और जो सामान नहीं बिका हुआ होता है वो भी जब बिक जाता है तो उससे उनको रेवेन्यू मिल जाता है ना। सो यस दैट्स द बेनिफिट। सिक्स पॉइंट इज बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। तो ये तो लाइक है ही, अगर आप सेल्स प्रमोशन करोगे लोगों को पता चलेगा कि कम दाम में मिल रहा है तो आपका ब्रांड का वैल्यू तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ता उससे, लेकिन हाँ अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है और अगर आप उसको कम प्राइस में लोगों को दे रहे हो तो ब्रांड वैल्यू तो आपकी बनती ही है एक, ठीक है ना। सो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज सच एज कॉन्टेस्ट, गिव अवेज और फ्री सैंपल्स, है ना, देखो यहाँ पे फ्री सैंपल्स की बात की गई कि आपने फ्री में दे दिया। अभी अगर आप ऑनलाइन कुछ सर्च वर्च करेंगे तो देखना बहुत सारी जो कॉस्मेटिक्स कंपनी है ना, जो ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं वो देखना बाय वन गेट वन करके अभी वो लोग दे रहे हैं, प्लस वो भी 1 रुपए में दे रहे हैं, ऐसा भी ऑफर है, सिर्फ शिपिंग चार्ज लेते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें करेक्ट की जाती हैं ताकि लोगों के अंदर आपके ब्रांड के प्रति जो है अवेयरनेस हो, क्योंकि उनको खर्च तो करना नहीं पड़ रहा, कम प्राइस में उनको सारी चीजें मिल जा रही हैं, उनको भी याद रह जाएगा आपका प्रोडक्ट और आपकी भी एक ब्रांड वैल्यू जो है वो बन जाएगी, ठीक है। बट इसका समटाइम्स नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि कम प्राइसेस में बेचना इज लाइक आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। लोगों के मन में ये सवाल होगा, हो सकता है आपका प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन लोगों के मन में ये सवाल हो जाता है। इस मामले में एप्पल काफी बेहतरीन कंपनी है, मतलब उसने कभी भी प्राइस के साथ अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जब भी वो लॉन्च होता है वो सेम प्राइस पे ही लॉन्च होता है चाहे कुछ भी हो जाए, बाद में आकर के प्राइसेस घटती हैं बात अलग है, लेकिन जब भी लॉन्च होता है वो सेम प्राइसेस पर लॉन्च होता है। तो वो लोग सेल्स प्रमोशन में इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस के चक्कर में। 1 मिनट जरा सा, कॉन्टिन्यूस बोलने से खांसी हो गई, मुझे लग नहीं रहा मैं बोल पाऊंगा और, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 6 नंबर पॉइंट तक मैंने कराया है, 7 और 8 भी काफी आसान है। एक है स्टिमुलेटिंग ट्रायल एंड सैम्पलिंग, मतलब वही चीज है, ट्रायल करवाना लोगों से बार बार ताकि वो उस चीज को बारे में जाने, और फ्री सैंपल्स लोगों को प्रोवाइड करना ताकि वो लोग उस चीज को फ्री में यूज करें, और अगर उनको अच्छा लगे तो वो दोबारा तो आपके पास आएंगे ही, ठीक है ना। तो ये है 8वां है, री इन्फोर्सिंग ब्रांड इमेज, आपका जो ब्रांड इमेज ऑलरेडी बन गया है उसको री इन्फोर्स करना, है ना। आपने स्नैपडील का नाम सुना होगा, ये री इन्फोर्समेंट का काम स्नैपडील को इस टाइम पे करना चाहिए पर वो कर नहीं रही है। जब अमेजन और फ्लिपकार्ट चल रहा था उस टाइम पे स्नैपडील नाम की एक कंपनी थी जो कि बाद में बहुत बुरी तरह से बंद अभी भी नहीं हुई है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन उन लोगों ने री लेकिन हो गया किया, उन लोगों ने वापस से प्रमोशन करना, एड चलाना, आमिर खान पहले उसका एड करता था, अभी तो एकदम ही बंद है तो उसका एड वगैरह भी कुछ नहीं आता है ना। तो ये री इन्फोर्सिंग का काम होता है कि वापस से लोगों के जो यादें हैं उसको तरोताजा करना कि भाई हम भी हैं मार्केट में, है ना। तो उस चीज के लिए भी सेल्स प्रमोशन का इस्तेमाल जो है वो
होता है, ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। और नीचे में वही सारी चीजें हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेल्स प्रमोशन कैन बी इफेक्टिव इन अचीविंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ही इसमें अचीव हो पाएगा, लॉन्ग टर्म ये नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी आप चीजें करते हो वो शॉर्ट टर्म में ही जनरली काम करती हैं। इस वाले में सेल्स प्रमोशन में आप कॉन्टिन्यूअस किसी को 50% ऑफ में साल भर नहीं बेच पाओगे, है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, एक महीने 2 महीने, है अगर ना, वो चीजें हैं। ओके जी प्लीज, बोलिए। अगर ओके, मैं बोला कि अगर ओके जनरली बोल सकता है इन हाँ एनी हाँ फेस्टिवल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट शुड बी केयरफुली प्लान एंड इंटीग्रेटेड विथ ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इसको जो है आपकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके साथ में इंटीग्रेट करके चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे पूरी तरह से, सिर्फ ऑफर ही चल रहा है। जो ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसके साथ में मिल करके आपको चलाना होता है टू इंश्योर लॉन्ग टर्म ब्रांड एंड बिजनेस, देखो ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो भी सस्टेन करे, वो भी चलता रहे, और जो बिजनेस है वो भी आपका सक्सेसफुल हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक बॉयज एंड आई मीन आकांक्षा एंड किशन? सर, ठीक है, नेक्स्ट एंड कल क्लास कब तक होगा? कल हाँ कल ही करेंगे, शाम में करेंगे, क्योंकि सुबह में मुझे सब्जी लाने जाना है। ठीक ओके है, सर, शाम में एक्सक्यूज करते हैं, ठीक ना। एंड जो मैंने मी सर, जी सर एक बोलिए क्वेश्चन था। बोलिए। सर सर कह रहे जो एडमिट कार्ड आ गया है सर, तो उसमें जो फोटोज वाला सर जो स्पेस है वो ब्लैंक है सर, तो वैसा ही रहता है ना? नहीं, वैसे नहीं रहता है, फोटो होना चाहिए था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना एक आईडी कार्ड साथ में कैरी कीजिएगा, इग्नू का जो आईडी कार्ड है सर वो तो है, होना चाहिए था सर, मेरा नहीं है। कोई बात नहीं। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है वैसा कि उन लोगों का आ नहीं पाता, कुछ कुछ टेक्निकल ओके ग्लिच okay. होगा जिसकी वजह से आ नहीं पाया है, बट होता है वहां पे। तो आप अपना अलग से फोटो वहां पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ओके okay, सर अभी मैंने पासपोर्ट। निकाला नहीं सर, मैंने बस देखा था तो वैसा ही था। ठीक है, तो वापस से एक बार देखिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसको प्रिंट आउट निकाल करके और सिर्फ पहला पेज ही निकालिएगा, उसमें देखिएगा बहुत सारा पेजेस है, 4-5 पेजेस है जिसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ है, उतना निकालने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ना हो तो ऐसे भी पढ़ सकती हैं आप, लेकिन फ्रंट पेज वाले, फ्रंट पेज से ही सारा काम हो जाएगा, उसी में सारा डिटेल्स है। और वहां पे फोटो वगैरह चिपका करके और आईडी कार्ड, मतलब इग्नू की आईडी कार्ड, हॉल टिकट और कोई एक यस आईडी प्रूफ, प्रूफ करने के लिए अगर सर, उनको जरूरत पड़े तो एक कैरी कर सकती हैं आप, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, कोई भी एक ओके चीज। ठीक है, सर। और असाइनमेंट हाँ स्टेटस का तो सर कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब उसमें कुछ शो ही नहीं करता है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, वो आ जाएगा, अभी टाइम है। टू बी ऑनेस्ट, ये दिसंबर के एंड तक भी खिंच सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, अभी जस्ट रिसेंटली खत्म ही हुआ है, 20 अक्टूबर या 30 अक्टूबर लास्ट डेट था असाइनमेंट सबमिशन का। सो अभी तो जस्ट जो लोग ओके अभी भी सबमिट कर रहे होंगे वो लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि उनका जनवरी से पहले आएगा। तो आप लोगों ने तो खैर काफी पहले कर दिया है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिसंबर तक भी आ जाए, पर अगर नहीं आए सर, मेरा घबराने वाली 30 सितंबर बात नहीं। के पहले ही सबमिट हो गया था क्या क्या, सर, मेरा 30 सितंबर के पहले ही सबमिट हो गया था असाइनमेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो थोड़ा टाइम लगेगा आकांक्षा, ठीक है, क्योंकि आप देखो आपका रिजल्ट जो अभी आप दिसंबर में एग्जाम दोगे ना, इसका रिजल्ट आते आते आप मान के रखो फेब फेब तक, ठीक है, तो कम से कम आपको जैन के एंड तक हो सकता है वेट वेट करना पड़े। कई बार होता है कि असाइनमेंट और फाइनल रिजल्ट जो है फर्स्ट ईयर का वो साथ में आ रहा है, ठीक है, तो नहीं उसको ऐसा कोई लेकर सोचना नहीं है डिफरेंस आपको। हाँ, लेकिन सबमिशन का स्टेटस आपको शो कर देगा पहले, ठीक है, ओके दिसंबर सर, के अंत तक मुझे ऐसा लगता है कि सबमिशन का स्टेटस तो आपको शो कर देना चाहिए, वहां पे दिखाएगा बोलो कि रिसीव्ड हो चुका है उनके एंड से, ठीक है, तो नहीं दिसंबर के एंड पे जी चेक सर, अगर कीजिएगा मैंने अभी, चेक और परेशान मत होइए। हाँ किशन बोलिए। किया था, मैंने चेक किया था पेशेंट पहले, तो डिक्लेयर रहा है सेकंड अभी 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 कुछ नहीं दिखा रहा है मतलब, ना? अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ कैसे, बाकी अपडेट हाँ हाँ कर लीजिए, कंटिन्यू। बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए, उसी को स्टडी कीजिए, एंड कोई भी कंफ्यूजन हो किसी टॉपिक में तो बताइएगा, और नहीं तो मेरे मेरे एंड से जो मुझे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक ना। ठीक ओके सर। है, दर
ठीक है सर, एक्सक्यूज कल मी शाम सर, में ज्वाइन सर करते आपने हैं। जो पीडीएफ सेंड किया था MCO 1 2 MCO 1 3 जो सारा सब्जेक्ट्स है सर, तो उसका सारा मतलब कि वो चैप्टर मतलब सर वो क्या कहते हैं सर, चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन है उसका भी आंसर, वो सारा भी पढ़ना जरूरी है ना सर? अगर नहीं, वो सारा जरूरी चैप्टर नहीं, वाइज अभी करने मत जाइएगा, ठीक है? ओके पहले सर, पीडीएफ फिनिश कीजिए, ओके सर, ठीक है ना? पहले पीडीएफ में तकरीबन 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 17, 18, 20 क्वेश्चन तकरीबन हर एक सब्जेक्ट के हैं। पहले आप पीडीएफ खत्म कीजिए, पीडीएफ खत्म करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो चैप्टर वाइज पढ़िएगा, तब क्योंकि वो चैप्टर करना वाइज है बहुत क्वेश्चन ना? है। क्या? जी सर, तब वो करना है ना? बट वो भी तो हाँ इम्पोर्टेंट है ना सर, या तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर वाइज तो नो डाउट इम्पोर्टेंट है, बट चैप्टर वाइज में क्या है ना भी कि कम से कम एक एक चैप्टर में तीन तीन चार चार क्वेश्चन करके है, और 20 चैप्टर है तो 50-60 क्वेश्चन जी सर, सिर्फ एक सब्जेक्ट में निकल जाएगा। तो यस वैसे सर, अगर करने जाइएगा तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक ओके ना? और जो मैंने पीडीएफ दिया है वो स्पेसिफिक एग्जाम एग्जाम स्पेसिफिक ही है, मतलब उससे बाहर से एक दो क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आ सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि जो मैंने दिया है एकदम वही आ जाएगा, लेकिन अगर जी आप सर, उतना भी कर लीजिएगा ना तो आप पास हो जाइएगा इजिली, आपका 60-70% आराम से आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से, ठीक है? तो ओके पीडीएफ पे ज्यादा फोकस कीजिए, सर, ओके सर, ठीक है? देन फिर कल मिलते हैं, ओके सर, ओके ओके? सर, थैंक ठीक है गाइस, यू, ओके, गुड गुड नाइट, गुड नाइट, नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट, क्या बोल